जो लोग अक्सर घर में पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं स्टोरी में कि देखते रहते हैं, ज़्यादा देखते हैं कि किस किस लोगों ने मेरा ये स्टोरी देखा और क्या रिस्पॉन्स है और क्या कितने प्यार मिले, मतलब क्या क्या लाइक मिले, ये सब हम ज़्यादा देखते रहते हैं। असंभव, मैं नहीं मानता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग। सभी लोग इवनिंग के समय घर से बाहर जाते होंगे। अच्छा, घर से बहुत कहते रहते हैं कि घर से बाहर जाओ, निकलो, घूमो फिरो, मगर मैं नहीं जाता। क्या लगता है कि मैं घर से बाहर जाऊंगा तो मैं कुछ कंटेंट में क्रिएट कर लूँगा, कुछ यूट्यूब के लिए हो जाए, कुछ पाऊँ, कुछ वीडियो दे पाऊँ। घर में रह जाता हूँ और मैं घर से बाहर इसलिए भी नहीं जाता कि मुझे लगता है कि लोग पूछेंगे कि क्या कर रहे हो अभी लाइफ में, तो मैं इसका आंसर मैं दे ही नहीं पाता हूँ। हाँ, मैं नहीं दे पाता हूँ क्योंकि लगभग 3-4 साल से मैं ऐसे ही घर में पढ़ा हूँ, बस ट्यूशन पढ़ाता हूँ, यही है। मैं इतना समझ लूँ कि मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ, यही है कि मैं कंटेंट क्रिएट कर लूँ, वीडियो बना सकूँ। देखिए अभी भी मुझे अभी मैं ये फर्स्ट वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मतलब कोई देख ना ले। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मुझे लगता है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। लोग गाइस, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है और इसमें मैं डेली जिस तरह से मैं यूट्यूब पे वीडियो डालते रहता हूँ उसी तरह से मैं टिकटॉक पे भी मैं डालते रहता हूँ। जैसे कि इस तरह से ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि मुझे इतने व्यूअर्स फेसबुक पे मिले हैं, 662। अच्छा, इतने लोगों में ये जो जितने लोग ये वीडियो पसंद किए हैं वो सभी ने लाइक किए हैं, इमोजी भेज के। देखिए वो ज़्यादा से ज़्यादा यही है, वो लाइक वाला और दिल वाला। तो मुझे क्या लगता है कि इतने लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे ड्राइंग को पसंद करते हैं, मगर असल में ये बात है वो लोग मुझे नहीं जानता, मेरे ड्राइंग को पहचानते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं गांव में जो मुझे पहचानते नहीं। जब हम पोस्ट किसी सोशल मीडिया पर डालते हैं तो ज़्यादा टाइम हम उसी को देखते रहते हैं कि किसी लोग ने देखा, उसका रिस्पॉन्स क्या आया और उस वीडियो में ऐसा क्या हुआ, न्यू अपडेट हम लोग खोजते रहते हैं। तो इसी तरह से जो लोग फेसबुक पे स्टोरी डालते हैं ना जो लोग अक्सर घर में पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं स्टोरी में कि देखते रहते हैं, ज़्यादा देखते हैं कि किस किस लोगों ने मेरा ये स्टोरी देखा और क्या रिस्पॉन्स है और क्या कितने प्यार मिले, मतलब क्या क्या लाइक मिले, ये सब हम ज़्यादा देखते रहते हैं। ज़्यादा हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि किस किस लोगों ने मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा देखा, पसंद किया। सेम उसी तरह मैं भी हूँ, इसी तरह से मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ और घर में ही रहता हूँ। मगर मैं क्या कह रहा था कि मैं अक्सर करके मुझे गांव में भी बहुत लोग नहीं पहचानते हैं क्योंकि मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं हूँ। डिप्लोमा ओवरसियर मैंने किया हूँ और डिप्लोमा ओवरसियर मैंने तीन साल पहले के करके कंप्लीट हो चुका है, मगर मैं कोई जॉब सॉब नहीं कर रहा हूँ। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं ड्राइंग आर्ट्स में इंटरेस्ट रखता हूँ, इसलिए मैं कभी सोचा भी नहीं था। मतलब सोचा पहले तो बहुत मन में आ रहा था कि मैं जॉब करूँ, कहीं पे जॉब करूँ, किस तरह से मैं अपना फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार लूँ, अपने आप को मैं बेहतर बना लूँ, मगर इसके लिए मैं बहुत डिप्रेशन में भी चला गया था। मैं भाग दौड़ बहुत करता था, यहाँ से वहाँ शहर में जाता था जनकपुर में, और मेरे दूर के भैया थे वो भी इसी तरह से डिप्लोमा रोड विभाग में काम करते थे, तो वो उसको मैं जाता था, भैया जी मुझको काम लगा दीजिए। इस तरह से मैं भाग दौड़ बहुत करता था, मुझे मेंटल प्रॉब्लम भी बहुत रहता है, मतलब बहुत रहता था उस टाइम। इतना डिप्रेशन में आ गया था कि बात ही छोड़ दीजिए, मैं किसी तरह से बच के आया हूँ। और एक और प्रॉब्लम ये हो गया है कि मैं बाहर नहीं निकल पाता। बाहर निकलता हूँ तो मुझे ये डर लगता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, मतलब मुझे कोई बोलेगा कि तुम क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, अभी क्या करते हो, मुझे इसका डर रहता है हमेशा। आप लोग कहेंगे क्या बेकुदी सी बात है, छोटी सी बात है, आप सिंपल से कह सकते कुछ भी नहीं, मगर मेरे लिए बहुत बड़ा डर का बात है। मैं कह नहीं पाता, मैं इसका आंसर दे ही नहीं पाता, बहुत प्रॉब्लम है। अब जिसको होता है वो समझ सकता है, मुझे यही है। तो मैं एक एक्सक्यूज होता है ना, मैं यही एक्सक्यूज लेकर मैं चलता हूँ, मैं बाहर घूमने के बजाय मैं घर में कुछ कर सकता हूँ। और घर में बहुत डरते रहते हैं मम्मी पापा और भाभी, सब लोग भी मुझे बहुत डरते रहते, जो दिमाग की फ्रेशनेस करो, जाओ घूमो फिरो, ये सब कहते रहते, मगर मैं नहीं जाता, मेरे पास कुछ नहीं। ये इवनिंग का टाइम है, आप देख सकते हैं यहाँ सूरज ढल चुका है। सूरज कहाँ दिख रहा है यार, सूरज देखिए यहाँ पर है, सूरज देखिए ढलने को है। तो इवनिंग का टाइम है, मैं सो आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग मुझे पसंद कीजिए, पसंद क्या करना, आप लोग प्यार दिखाइए। मैं अपने चैनल पर कुछ अच्छा ही करने वाला हूँ,
मैं ये आप लोगों से प्रॉमिस है, मैं कुछ अच्छा ही करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकूँ, मैं अपनी मेहनत से कुछ काम जा सकूँ, आगे तक जा सकूँ। और यहाँ पर भी मुझे वीडियो शूट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप यहाँ पीछे देख सकते हैं कि पीछे लोग दूर है तो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, और आज के लिए इतना ही। लोगों को प्यार करते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू, बाय, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ ये दो वीडियो ज़रूर देखना। प्रिय करता हूँ कि आपके फैमिली में सब लोग अच्छे हों।